महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों में देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के सबसे बड़े पोस्टर बॉय बनकर उभरे हैं, चाहे भाषणों में उनका आक्रामक अंदाज हो। जनता से सीधा संवाद हो, आरएसएस के साथ केमिस्ट्री हो या फिर विरोधियों को घेरने की शैली हो, अपने हर दांव में देवेंद्र फडणवीस फुल मार्क्स के साथ टॉप पर रहे। मैंने पहले ही कहा था कि मैं आधुनिक अभिमन्यु हूँ, चक्रव्यूह को भेदना जानता हूँ, हमने चक्रव्यूह को भेदा है। जैसे ही आज महाराष्ट्र के चुनाव नतीजे आने शुरू हुए, बीजेपी का ग्राफ देखकर देवेंद्र फडणवीस का एक पुराना बयान सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो गया, जब शायराना अंदाज में फडणवीस ने विरोधियों को करारा जवाब दिया था और वापसी का अटूट विश्वास दिखाया था। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ, लौट कर वापिस आऊंगा। देवेंद्र फडणवीस ने उस वक्त खुद को लेकर जो बात कही थी, आज चुनाव नतीजों के बाद वो सही साबित हुई। लेकिन सवाल यह है कि आखिर देवेंद्र फडणवीस ने ऐसा क्या किया जिसने बीजेपी को महाराष्ट्र में जीत का रिकॉर्ड बनाने का मौका दिया। राजनीति के जानकारों की माने तो महाराष्ट्र की जीत के बाद योगी हिमंत बिस्व शर्मा जैसे हार्ड हिंदुत्व की शैली वाले नेताओं की सूची में देवेंद्र फडणवीस का नाम भी शुमार हो गया है। देवेंद्र फडणवीस ने पूरे चुनाव प्रचार में हिंदुत्व कार्ड वाला दांव खेला। उन्होंने धर्म युद्ध, सनातन और मुस्लिम तुष्टिकरण जैसे मुद्दों को हवा देकर हिंदू वोटर्स को एकजुट करने की कोशिश की। चुनाव नतीजों को केंद्र में रख कर देखें तो उनकी ये रणनीति कामयाब रही। देवेंद्र फडणवीस ही बीजेपी के वो नेता हैं जिन्होंने महाराष्ट्र में धर्मयुद्ध वर्सेस वोट जिहाद वाले नैरेटिव सेट किया। इस मुद्दे पर वो AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के साथ तीखी जुबानी फाइट में भी उलझे। दोनों नेताओं के बीच बयानों की ऐसी चिंगारी उठी जिसने महाराष्ट्र का चुनावी माहौल गर्मा दिया। मी तुम्हाला आज सांगतो, सुनो देवेंद्र फडणवीस, तुमने कई MLAs को खरीद लिया, चोरी कर ली, तो तुमको क्या बोला जाए, डाकू बोला जाए या चोर बोला जाए? चुने हुए सी बिना करेगा औरंगजेब की पहचान पर, अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। फडणवीस ने महाराष्ट्र में कई रैलियां, जनसभाएं और यात्राएं की। इनके जरिए उन्होंने जनता से सीधा संवाद करने की कोशिश की, खासकर महिला वर्ग को अपने साथ जोड़ा। एक तरफ लाडकी बहन जैसी योजनाएं और दूसरा महिलाओं को रैलियों में तवज्जो देकर फडणवीस ने एक बड़ा वोट बैंक जोड़ लिया जिसने उन्हें महाराष्ट्र की जीत का महारथी बना दिया। मैं विशेष रूप से हमारे लाडले बहनों का, लाडले भाइयों का, लाडले किसानों का, सभी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। लाडली बहनों ने तो बहुत आशीर्वाद हमको दिया है जिसके कारण हम लोग निश्चित रूप से एक अच्छा विजय यहां पर संपन्न कर पाए। महाराष्ट्र में बीजेपी की इस ऐतिहासिक जीत में आरएसएस की भूमिका भी छिपी नहीं है। गौर करने वाली बात यह भी है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म होते ही डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस ने संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की, क्योंकि विधानसभा के लिए संघ परिवार ने लोग जाकर मंच के माध्यम से सजग रहो अभियान चलाकर मतदान की अपील की थी। ऐसे में वोट शेयर बढ़ाने में संघ की भूमिका अहम मानी जा रही है। आरएसएस ने बीजेपी का जनाधार बढ़ाने में अपने नेटवर्क का इस्तेमाल किया, महिला और किसानों के बीच बीजेपी के मुद्दों को पहुंचाया। इसका नतीजा आज जीत के आंकड़ों में भी दिख रहा है। कुल मिलाकर देवेंद्र फडणवीस इस चुनावी पिक्चर के असली हीरो साबित हुए। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.